Hello dear friends and welcome you all to the official channel of Adda 247 Northeast. मैं आप लोगों की जानू मैम और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ. एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आया है और ये अनाउंसमेंट आया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है जो आप लोगों का 18/7 को ये नोटिफिकेशन अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट से निकला है रिगार्डिंग अ वेरी बिग वैकेंसी. ओके, एक बहुत ही बड़ा वैकेंसी आया है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से और आज यही वाला नोटिस, ये जो नोटिफिकेशन निकला है, इसी का डिस्कशन लेके एक क्विक डिस्कशन कि ये नोटिफिकेशन में क्या है और कौन कौन से पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकला है, ये मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करने के लिए ये लेके आई हूँ. ठीक है, सो अगर आप लोग इसको देखेंगे ध्यान से तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि ये आया है आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, सी सेक्टर, ईटानगर. ठीक है, तो ये आया है गवर्नमेंट के यहाँ से. रिक्रूटमेंट नोटिस, एडवर्टीजमेंट नंबर ये दिया हुआ है एंड दिस इज फॉर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022. जो हम लोगों का ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होगा, दैट इज फॉर योर सिलेक्शन इनटू द गवर्नमेंट पोस्ट, गवर्नमेंट वैकेंसीज का जो ये एग्जाम होने वाला है उसी के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे हैव डायरेक्टली टोल्ड यू दैट Only online application will be accepted. ठीक है, खाली आप लोग अगर इन पोस्ट में, जो नीचे जितना भी पोस्ट दिया हुआ है वहाँ पे अगर आप लोग को अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है, लेट मी टेल यू, काफ़ी सारे वैकेंसीज आए हैं. ठीक है, बहुत सारे वैकेंसीज आए हैं, एक एक करके हर एक का हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं आप लोग. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि ये लोग क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, आप लोगों को कुछ भी ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है. वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन इन द गिवन प्रोसीडियर, जो इस नोटिस में लिखा गया है. ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल बी समरली रिजेक्टेड. ये डायरेक्टली ये लोग पहले ही इन लोगों ने ये डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर आप लोग किसी भी दूसरे मोड में अप्लाई करने जाओगे, ऑफलाइन और एनी अदर मोड, तो आप लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो वन थिंग इमीडिएटली जो आप लोगों को नोट करना है, आप लोगों को क्या समझना है कि आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना है इस वाले पोस्ट के लिए. जितना भी पोस्ट निकला है वहाँ पे अगर आप लोगों को फिलअप करना है तो आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द CGL, जो हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022. ठीक है, और ये लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स, अगर आप लोग का एलिजिबिलिटी है, ठीक है, देन यू आर आस्क टू अप्लाई ऑनलाइन. ये ऑनलाइन जो आप लोगों को अप्लाई करना है वो आप लोगों को याद रखना है, ये बात क्लियरली समझ लीजिए आप लोग. ठीक है, और पोस्ट जो रिक्रूटमेंट का पोस्ट निकला है, दैट इज अ ग्रेड सी पोस्ट. ठीक है, ग्रेड सी पोस्ट, अगेन वैकेंसीज फॉर डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो. जो ये नोटिस में, जो डिटेल में ये लोगों ने यहाँ पे एक आप लोगों को पूरा टेबल दिया गया है. ठीक है, ये पूरा एक अगर आप लोग देखोगे, एक पूरा टेबल दिया गया है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज निकला है वो दिया गया है. ठीक है, तो हर एक का भी एक एक करके हम लोग डिटेल में इसका बात करने जा रहे हैं. ठीक है, सो ध्यान से देखिए और एंड तक देखिएगा वीडियो को, ताकि आप लोगों को पता चले what are the different posts और कहाँ पे आप लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए. ये चीज समझने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए. ठीक है, एक एक करके हम लोग अभी सब एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ लुक हियर, यहाँ पे देखिए, ये लोग आप लोगों को जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, वेयर विल यू अप्लाई ऑनलाइन, कहाँ से अप्लाई ऑनलाइन जो अप्लाई करोगे वो कहाँ से करोगे आप लोग. ठीक है, Only those applications which are successfully filled through the website. Website का नाम directly यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, आप लोगों को कहीं और नहीं जाना है, आप लोगों को directly ये वाला website में जाना है और यही से आप लोगों को fill up करना होगा अपना application form. ठीक है, कहीं भी और आप लोगों को नहीं उसको सर्च करना है. आप लोग डायरेक्टली ये वाला सर्च करोगे, ये वाला गूगल में आप लोग जाओगे, ये सर्च करोगे. ठीक है, और वहाँ पे जो प्रोसीजर आएगा आप लोग डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसीजर आप लोग अप्लाई करोगे. ठीक है, देन लेट्स लुक अहेड, आगे क्या बोला है, वट एवर इज फाउंड इन ऑर्डर शैल बी एक्सेप्टेड. ठीक है, इनकम्प्लीट, अगर आप लोग एप्लीकेशन हाफ में फिलअप करके छोड़ देते हो, ठीक है, या पार्शली रॉन्ग या इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन डालते हो, या तो वो आप लोगों का एप्लीकेशन क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा. सो बी वेरी केयरफुल वेन यू आर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, ये सारा एलिजिबिलिटी आपको लोगों को पहले से ही चेक करके रखना है. ठीक है, ये सब कुछ चेक करने के बाद आप लोग अपना ऑनलाइन वेबसाइट में जाएंगे जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसके बाद आप लोग अपना फॉर्म फिलअप में आगे बढ़ेंगे. नाउ कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोगों का वैकेंसीज कौन कौन से पोस्ट में निकला है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है, और कितना वैकेंसीज निकला है. सी, अ वेरी बिग वैकेंसी अनाउंसमेंट हैज
बीन कम फ्रॉम द अरुणाचल गवर्नमेंट, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आया है और उसी का आप लोगों को पहले ये समझना है कि आप लोगों का वैकेंसीज कितना है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो पहले अगर आप लोग देखोगे जो यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये लोग डिटेल ऑफ वैकेंसीज ये लोग डाला हुआ है, ठीक है, डिटेल ऑफ वैकेंसीज प्रोवाइडेड फॉर द इंटेंडिंग ऑफिसर्स डिपार्टमेंट्स आर एज फॉलोज, ठीक है, ये लोग कौन कौन सा डिपार्टमेंट ऑफिसर्स और कितना कितना वैकेंसीज है इसका भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पहला ये लोग क्या बोल रहे हैं, द नेम ऑफ द पोस्ट यूडीसी, जो हम लोग बोलते हैं ना अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। सो अपर डिवीजन क्लर्क का जो पोस्ट है उस अपर डिवीजन क्लर्क में दैट इज इन द पे लेवल ऑफ 5, ओके, जो लेवल 5 मैट्रिक्स 5 में जो हम लोग बात करते हैं उसमें ये आप लोगों का निकला है, ठीक है। सो फर्स्ट वैकेंसी यू विल सी इन द यूडीसी, जो हम लोग बोलते हैं अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का पोस्टिंग होगा या कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, चंगलांग, ईस्ट कामेंग, कामले, लोहित, ठीक है, सुबनसिरी, नामसाई, ये सारा जितना भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया गया है, क्रार दादी, ठीक है, सारा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का वैकेंसी या पोस्टिंग्स आप लोगों का निकला है, ठीक है। सो यू हैव एपीएसटी पोस्ट, एपीएससी पोस्ट आप लोगों को हर एक में दिखेगा, ठीक है। अनरिजर्व पोस्ट है यहाँ पे, इफ यू लुक एट हियर एट द अनरिजर्व पोस्ट दैट इज 5, एपीएसटी के लिए रिजर्व है 7, ओके, पीडब्ल्यूडी जो हम लोग बोलते हैं पीडब्ल्यूडी फॉर द हम लोग जो दिव्यांग कैटेगरी का बात करते हैं वहां पे एक भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो टोटल इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी आप लोग अगर देखोगे तो टोटल आप लोगों का 12 वैकेंसी इन द यूडीसी डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग्स जो हेडक्वार्टर्स में हम लोग जो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग्स के आप लोगों का टोटल 12 वैकेंसीज आप लोग ग्रुप ए में अगर देखोगे तो आपको वैकेंसीज निकला है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट, ओके, वेरी बिग वैकेंसी ओवर हियर। अगर इसके बाद आप लोग देखोगे, अगर आप लोग नोटिफिकेशन का नीचे तक जाओगे, अगर आप लोग स्क्रॉल करके नीचे जाते हो तो आप लोगों को दूसरा एक दिखेगा, दूसरा जो पोस्ट टू जो कैटेगरी टू आप लोगों को दिखेगा दैट इज डायरेक्टली यूडीसी और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट दीज आर योर अपर डिवीजन क्लरिकल ग्रुप्स, लेकिन आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है। ये भी लेवल 5 का ही है, लेकिन ठीक है, लेवल 5 पे मैट्रिक्स 5 जो हम लोग बोलते हैं पे बैंड 5 उसी के अंदर में है। और कौन कौन सा डिपार्टमेंट अगर आप लोग देखोगे, इंफॉर्मेशन कमीशन, ओके, अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन, डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, अगर आप लोग देखते जाओगे काफी सारा यहाँ पे है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो हम लोग पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स एक्साइज डिपार्टमेंट का आया है, ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का नाम लो, हर एक का आप लोगों को यहाँ पे नाम आप लोगों को मेंशन किया हुआ मिलेगा, ठीक है। फर्दर इफ यू लुक इन टू द रिजर्वेशन कैटेगरीज, रिजर्व कैटेगरीज अगर आप लोग देखते हो तो देखो यहाँ पे एपीएसटी जो हम लोग बोलते हैं ना अरुणाचल प्रदेश एसटी जो हम लोग ट्राइब्स का बात बोल रहे हैं, यहाँ पे एपीएसटी में आप लोगों का हर एक में दो तीन करके यहाँ पे आप लोगों का वैकेंसीज में आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। सो टोटल इफ यू लुक हियर 20 अंडर द एपीएसटी कैटेगरी 20 पोस्ट, ओके, बहुत बड़ा ये एक वैकेंसी आ रहा है अभी, ठीक है। नाउ अगर आप लोग अनरिजर्व देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा हर एक में डिपार्टमेंट ऑफ पावर में 5 रिजर्वेशन है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी अगर देखोगे तो पीडब्ल्यूडी अभी भी यहाँ पे नन दिख रहा है हम लोगों को। सो यहाँ पे अगर ग्रुप बी का आप लोग देखते हो तो ग्रुप बी में आप लोगों का वैकेंसी आया है फॉर 32 पोस्ट, ओके, 32 पोस्ट का यहाँ पे वैकेंसीज आया है। नाउ इफ यू मूव अहेड यहाँ पे एक और पोस्ट आप लोगों को दिखेगा, ठीक है, एक और पोस्ट जो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा दैट इज जूनियर इंस्पेक्टर और ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये अलग एक पोस्ट निकला है, ये भी अंदर द पे लेवल ऑफ 5 है, पे बैंड 5 के अंदर है, जूनियर इंस्पेक्टर ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इसका भी ऑडिटर और इंस्पेक्टर लेवल का वैकेंसी निकला है। एंड यहाँ पे है 8 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट इन दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। तो अगर आप लोग टोटल करते हो जो ये पूरा वैकेंसी जो अरुणाचल गवर्नमेंट ने अभी निकाला है रिसेंटली, ठीक है, ये 18 जुलाई का जो नोटिफिकेशन आया है, अगर आप लोग टोटल पोस्ट ए बी और सी को अगर टोटल करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा टोटल ऑफ ग्रैंड टोटल ऑफ 52 वैकेंसी, सच अ ह्यूज नंबर। अगर आप लोग देखते हो, अगर आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, आई विल सजेस्ट कि आप लोग कोई भी इसको ना छोड़े, ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड इवन द अनरिजर्व कैटेगरीज, ठीक है, आप लोग के लिए भी आप लोग ये जो 52 पोस्ट का वैकेंसीज निकला है ये वाला आप लोग मिस नहीं करोगे, ठीक है, यू ऑल आर गोइंग टू अप्लाई फॉर इट, ठीक है। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो हम लोगों ने नोटिफिकेशन देखा है, हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है, वैकेंसीज देखा है, नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ओपनिंग डेट कब से ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ये स्टार्ट कब से होने वाला है, वेरी सून माई फ्रेंड्स, 20th of July डेट आप लोग नोट करके लिखो, मोबाइल में रिमाइंडर लगा लो, कुछ भी करो, कहीं पे लिख के रखो, 20 जुलाई का 10 बजे से ये स्टार्ट होने वाला है, ओके, जो वेब पोर्टल होगा वो 20 जुलाई का 10 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, एंड यू शुड नॉट डिले, आप लोग डिले नहीं करोगे, ठीक है। एंड क्लोजिंग डेट कब तक है इसका, 16th of August इज
इज द लास्ट डेट. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट डेट तक वेट नहीं करेंगे, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, हम लोग स्टार्टिंग में ही इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है. नाउ टेंटेटिव डेट, देखो ये लोगों ने एक ही साथ में, एक ही नोटिफिकेशन में एग्जाम का टेंटेटिव डेट भी इन लोगों ने दे दिया है. एंड योर टाइम इज इन सेप्टेम्बर, अगर आप लोग देखते हो 18th of September संडे को इन लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन का डेट लिख दिया है. आप लोग दो डेट याद रखोगे, आप लोग 20 जुलाई का डेट याद रखोगे और आप लोग 18 सितंबर का डेट नोट करके रखोगे, ठीक है. सो योर एग्जाम इज ऑन 18 सितंबर, ये इन लोगों ने ऑलरेडी डेट डिक्लेयर कर चुके हैं, ये लोग डेट दे दिया, ठीक है. और जो स्किल टेस्ट होगा, जो हम लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जो भी होता है, ठीक है, स्किल टेस्ट जो होगा आप लोगों का कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड, ठीक है, वो सबका दैट विल बी हेल्ड ऑन 16th of October, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16-10, ठीक है, 16-10 को ये होने वाला है, ठीक है. ये लोगों ने बार बार एक ही बात बोला है दैट यू हैव टू ऑनलाइन, कंपल्सरीली यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली एंड ओनली वाया www.apssb, जो ये अरुणाचल प्रदेश का SSB, जो हम लोग बोलते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है apssb.nic.in, इसके अलावा आप लोग कहीं और नहीं जाओगे. ये भी आप लोग नोट करके रखो, प्लीज नोट दिस डाउन, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है. लास्ट में ये लोग क्या बोला है, द क्लोजिंग डेट जो 16 अगस्त को जो क्लोजिंग डेट है दैट इज अ 3 PM, आप लोग याद रखोगे. लेकिन हम लोगों को वेट नहीं करना है, हम लोग लास्ट डेट तक वेट नहीं करेंगे, ठीक है. हम लोग इनिशियल डेज में ही हम लोग अप्लाई करके हम लोग रख देंगे, ठीक है, विल बी इन द सेफ साइड, ओके. और इसके बाद ये लास्ट डेट 3 बजे के बाद ये लिंक डिसेबल हो जाएगा, ठीक है. इफ़ यू फर्दर स्क्रॉल डाउन आप लोगों को दिखेगा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है. जो लेवल 5 का यहाँ पे बोला गया है, पे बैंड 5 का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को है, यहाँ पे क्या चाहिए आप लोगों को, बैचलर्स डिग्री. आप लोग कोई भी बैचलर डिग्री, BEd, BA, BSc, BCom, BBA, जो भी आप लोग बैचलर डिग्री किए हैं, ठीक है, LLB, BEd, whatever bachelor degree, मतलब आप लोगों को graduate होना है, you have to be a graduate, क्योंकि initial starting में ही क्या लिखा है कि graduate level, combined graduate level examination ये होने वाला है, so your minimum qualification will be graduate, आप लोगों को graduate होना है, degree pass करना है आप लोगों को, ठीक है. और minimum क्या बोला है, 6 months का computer diploma, computer का certificate, 6 महीने का diploma certificate, computer certificate आप लोगों के पास from a recognized institute ये होना पड़ेगा, ठीक है. देन एज क्या होगा आप लोगों का, एज लिमिट क्या होगा, एज लिमिट विल बी फ्रॉम 18 टू 32 ईयर्स, 18 से 32 ईयर्स तक आप लोगों का एज होना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप लोगों का एज होने से ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है. और क्या लिखा है कि एज रिलैक्सेशन है, किन लोगों के लिए है, फॉर द APST, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश जो ST ग्रुप है, ST कम्युनिटी है, उन लोगों के लिए एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उन लोगों के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक और दूसरा एक पोस्ट निकला था जो हम लोगों का था, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंस्पेक्टर और ऑडिटर, ये जो पोस्ट था JICS जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बोला, ये लोग डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस, ठीक है. यहाँ पे मतलब डायरेक्टली क्या बोला है, अगर आप लोगों को जूनियर इंस्पेक्टर या ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में अप्लाई करना है इस वाले पोस्ट के लिए, यू हैव टू बी BA, BSc और BCom, ये तीनों का ही बात बोला है, ठीक है, इन तीनों का ही यहाँ पे बात बोला है, ठीक है, फाइन, ओके. यहाँ पे भी एज लिमिट है 18 to 32 ईयर्स, ठीक है, दिस इज द एज लिमिट. अगर आप लोग फिर नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लोगों ने हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग नीचे तक देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या दिया गया है और क्या बोला है. यहाँ पे आप लोग अपने अपने फॉर्म जब सबमिट करोगे, एप्लीकेशन जब सबमिट करोगे, आप लोग क्या डालोगे, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट लेजिबल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन. बाद में ये जो सेकेंड स्टेज आएगा उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, जो लोग शॉर्टलिस्टेड रहेगा, दैट लिस्ट निकलेगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अपना अपना डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबल फॉर एलिजिबिलिटी आप लोग अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे, ठीक है. ये यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, द कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोवाइड 1 photo identity document, फोटो आइडेंटिटी, कोई भी फोटो आइडेंटिटी, अगर कौन सा डॉक्यूमेंट है, विच डॉक्यूमेंट इज अ फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपका फोटो के साथ आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, ठीक है, आपका फोटो होना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट में, ठीक है. तो अगर आप लोग बोलोगे कि मेरा लाइट का बिल है, अगर आपका लाइट का बिल में फोटो नहीं है ना तो वो काम नहीं आएगा. तो यहाँ पे ये लोग स्पेसिफिकली क्या बोल दिया है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, या तो कोई भी गवर्नमेंट ऑथोराइज फोटो आइडेंटिटी, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट होगा आपका फोटो वहाँ पे होना पड़ेगा, दिस इज कंपलसरी, जो ये लोग फोटो आइडेंटिटी का बात बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद देखिए, द कैंडिडेट शैल क्लियरली इंडिकेट द प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, आप लोगों को कौन कौन सा पोस्ट में, आप कौन सा पोस्ट में प्रेफरेंस दे रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो आप लोग क्लियरली अपना मैंशन कर दोगे, ठीक है.
फिर देखो यहाँ पे फीस का बात बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीस कितना है, नॉन रिफंडेबल वन टाइम पेमेंट, नॉन रिफंडेबल फीस है। APST जो भी कैंडिडेट्स है फ्रॉम द APST ट्राइब, APST कम्युनिटी, आप लोगों का फीस है 150 एंड रिमेनिंग जनरल कैंडिडेट्स के लिए है 200, जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स है उन लोगों का फीस है 200 रुपये। ठीक है, PWD कैटेगरी का कोई भी फीस नहीं ले रहा है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वापस यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बात बोला गया है, देखिए यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, कंपल्सरीली यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस जो भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया है, डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट तक आपका अगर आप ग्रेजुएट नहीं है और क्लोजिंग डेट तक अगर आपका मार्कशीट नहीं आता है, यू आर नॉट ग्रेजुएट, वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो क्लोजिंग डेट तक क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस सारा कुछ बाय द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन आप लोगों का होना पड़ेगा। ठीक है, द वैकेंसी ऑफ APST इज अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स इज रिजर्व ओनली फॉर APST, जो डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट है वो खाली APST कैंडिडेट्स के लिए है, और जो बाकी मेंशन किया गया है जहां पे हम लोगों ने अनरिजर्व कैटेगरी देखा है, दोज आर फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज कैन ऑल्सो अप्लाई। ओके, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे डिटेल ये लोग यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को बोल दिया है कि एग्जाम किस तरह से होगा। ठीक है, द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, दो स्टेज में आप लोगों का एग्जाम होगा। स्टेज वन में क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे नीचे स्टेज वन में क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का एक एमसीक्यू आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू जो हम लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप लोगों को कुछ भी डिटेल्स में नहीं लिखना है, सब मल्टीपल क्वेश्चंस होगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश वहां पे रहेगा 100 मार्क का, देयर विल बी 50 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स। ठीक है, 2-2 मार्क का 50 क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम इंग्लिश, और इंग्लिश का सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या दिया गया है यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्शन, करेक्शन ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारा आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे क्लियरली ये लोग मेंशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर आप लोग नीचे देखते हैं, अगर आप लोग स्क्रॉल करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा एलिमेंट्री मैथ्स। एलिमेंट्री मैथ्स कितना मार्क्स का आएगा, एलिमेंट्री मैथ्स विल बी ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, वो भी वापस 50 क्वेश्चंस विद 2 मार्क्स ईच, वापस जैसे इंग्लिश का आया 50 क्वेश्चंस विद 2 मार्क्स, सिमिलर विद मैथ्स 50 क्वेश्चंस विद 2 मार्क्स। और मैथ्स का यहाँ पे पूरा सिलेबस ये लोग मेंशन किया गया है, अगर आप लोग देखोगे, मैं जस्ट आप लोगों को रफली बोल रही हूँ टॉपिक्स का है यहाँ पे, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ट्राइंगल, ठीक है, इक्वेशंस, ग्राफ, सर्ज, ओके, जो हम लोग स्कूल में क्लास 10 लेवल में या जितना भी हम लोग पढ़ के आए हैं, ओके, 10 स्कूल का लेवल में जितना भी हम लोग पढ़ के आए हैं वो सारा टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों का कवर किया गया है। ठीक है, GK आएगा सिमिलरली 50 क्वेश्चंस 2 मार्क ईच का, 100 मार्क का GK रहेगा आप लोगों का, और सिलेबस यहाँ पे दिया गया है जनरल नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट अराउंड हिम। ठीक है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर योर GK सिलेबस। ठीक है, टेस्ट विल बी ऑफ MCQ पैटर्न कंप्राइजिंग ऑफ 150 क्वेश्चंस, अभी देखा हम लोगों ने, फाइन, 3 घंटे का एग्जाम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, योर एग्जाम विल बी फॉर 3 आवर्स, 3 कंटिन्यूअस आवर्स, ओके, और आपको कितना सिक्योर करना है, हाउ मच यू नीड टू सिक्योर इन योर फर्स्ट स्टेज, कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 33% और मोर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, इंग्लिश में, मैथ्स में, GK में, आपको हर एक सब्जेक्ट में 33% सिक्योर करना है इन द रिटन एग्जामिनेशन, ये लोग यहाँ पे क्लियरली ये बात बोल दिया। ठीक है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का बात बोला है, GK, इंग्लिश और मैथ्स, और आपका तीनों में 50-50-50 क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, और द कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 33% शैल बी डीम नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर आप लोग का लेस आता है किसी भी एक सब्जेक्ट में, यू विल बी रिजेक्टेड, आप लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्किल स्टेज, स्किल टेस्ट का बाद जो स्टेज टू रहेगा, स्टेज टू में जो स्किल टेस्ट रहेगा वो एक बार क्विकली देख लीजिए क्या होगा, वो 50 मार्क्स का आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक टेस्ट होगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, जो हम लोग ऑफिस वर्ड बोलते हैं ना, ऑफिस वर्ड, जो कंप्यूटर का हम लोग वर्ड का बात बोलते हैं, MS वर्ड, ओके, वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट्स यानी एक्सेल, जो हम लोग ऑफिस एक्सेल का बात बोलते हैं, एंड स्लाइड्स दैट इज पावर पॉइंट, यानी ऑफिस वर्ड, ऑफिस एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये आप लोगों को जानना होगा, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, योर टेस्ट विल बी टेकन ऑफ 50 मार्क्स फॉर दीज 3 एरियाज, ओके, और यहाँ पे ये जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, यहाँ पे आप लोगों को 33% लाना है इन बेसिक कंप्यूटर टेस्ट, ओके, मतलब रिटर्न में आप लोगों को 33% स्कोर करना है, कंप्यूटर टेस्ट में आप लोगों को मिनिमम 33%, अपर लिमिट कितना जाएगा हम लोगों को नहीं पता, बट मिनिमम टू एटलीस्ट क्वालिफाई
आप लोगों को इतना स्कोर करना पड़ेगा. कट ऑफ कैन बी एनीथिंग, ओके, कट ऑफ का बात नहीं बोला, आप लोगों को मिनिमम कितना स्कोर करना है. ठीक है, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ स्टेज वन विल बी सिलेक्टेड. स्टेज वन में जो लोग क्लियर कर गया वो लोग स्टेज टू तक जाएगा. स्टेज टू में आप लोगों को वापस अपना कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें जो क्लियर कर जाएगा उन लोगों का वापस लिस्ट बनेगा. ठीक है, हाउ टू अप्लाई, यू शुड अगेन, यहाँ पे ये बात ये लोग रिपीटेडली बोल रहा है, आप लोग कहाँ से अप्लाई करोगे, आप लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ही आप लोग अप्लाई करोगे. ओके, स्कैन कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर टू बी अटैच. आप लोगों को जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दोगे आप लोग, ठीक है, तो आप लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स दोगे, आप लोगों का सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन व्हाइट पेपर, आप लोग एक खाली व्हाइट पेपर में अपना साइन करके उसको स्कैन करके कितना यहाँ पे साइज दिया गया है वो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस वाला साइज में, इस वाला फॉर्मेट में आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई अपलोड करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, फिर अगर आप लोग वापस नीचे आते हो, बहुत एक लंबा नोटिफिकेशन निकला है. ठीक है, आप लोग अगर वापस नीचे स्क्रॉल करते हो तो आप लोगों को देखोगे, आप लोगों को दिखाई देगा दैट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट द कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. एक बार आप लोग शॉर्टलिस्ट हो गए तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो एक बहुत लंबा छोड़ा लिस्ट है यहाँ पे. आप लोगों को पासपोर्ट फोटो लगेगा, मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड, ओके, डिग्री का सर्टिफिकेट कंपलसरी, क्योंकि आपको प्रूफ करना होगा कि आप लोग डिग्री क्लियर कर चुके हो. ठीक है, APST का सर्टिफिकेट, रेसिडेंट प्रूफ, ये सारे एक लंबा छोड़ा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, एंड दिस documents you need to fulfill, you need to submit. ठीक है, ओके, इसके बाद अगर नीचे आप लोग देखते हो तो एक नोट दिया गया है, देर आर नो प्रोविजन ऑफ रीवेल्युएशन रीचेकिंग. एक बार एग्जाम हो गया, मार्क्स निकल गया तो निकल गया, उसका कोई रीवेल्युएशन नहीं होने वाला है, ये अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बोल दिया. ठीक है, APSSB रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल और विदड्रॉ एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट. ठीक है, ये लोग अपना अपना रूल्स यहाँ पे ये लोग ने डायरेक्टली मैंशन कर दिया. बोर्ड मेक्स प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स. जब आप लोगों का पूरा स्टेज वन स्टेज टू सारा क्लियर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसी के बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें निकलेगा. ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन का बात यहाँ पे दिया गया है, 5 years फॉर APST, PWD के लिए 10 and 15 years अलग अलग रिलैक्सेशन है यहाँ पे. आप लोगों का एग्जाम का सेंटर्स, आप लोगों का एग्जाम कहाँ कहाँ होने वाला है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, याद रखो आप लोगों का एग्जाम सेप्टेम्बर में होने जा रहा है. ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे होगा सेंटर्स दिया गया है, देखो काफी सारा सेंटर्स है, 0, बॉम्डी, ईटानगर, नामसाई, तवांग, तेजो, हर एक जगह में, पासीघाट, सेपा, कहीं भी बोलो, आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स अलग अलग एरियाज में ये लोगों ने यहाँ पे दे के रखा है. ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या बोला है कि देयर वैकेंसीज आर प्रोविजनल, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज. ये लोग जो नॉर्मल इन लोगों का जो गवर्नमेंट रूल होता है, गवर्नमेंट रूल के अंदर ये लोगों ने नॉर्मल अपना रूल्स दे के रखा है. सो फॉर अस, हम लोगों के लिए, ठीक है, फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, हम लोगों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है. ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों का अभी प्रिपरेशन जो लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे आप लोगों का, लेकिन अभी रिविजन का टाइम शुरू हो चुका है. दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, यू इट्स टाइम फॉर यू टू रिवाइज. दो स्टूडेंट्स हु हैवंट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, ओके, जो लोग अभी तक अपना प्रिपरेशन शुरू नहीं किया अभी, लेकिन आप लोगों का हाई टाइम है, हाई टाइम, बिकॉज योर एग्जाम डेट, द एग्जाम डेट हैज बीन गिवन इन दिस नोटिफिकेशन, दैट इज 18th of September, 18 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. ठीक है, अदर 247 नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज विथ यू. कभी भी आप लोगों का ऐसा फील हो कि आप लोगों का कुछ भी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों का हेल्प चाहिए, हम लोगों का वीडियोज अवेलेबल है इन यूट्यूब, ओके, अदर 247 नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज अवेलेबल एट योर सर्विस. ठीक है, तो कुछ भी हो, कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी बात पूछने के लिए हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चले, आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो. आई रियली रियली होप दैट. ओके, सी यू ऑल, बाय बाय.